हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते। भारत की शुरुआत आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चीन केवल एलएसी पर ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी करा रहा है। इनमें प्रसिद्ध 5 पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री शामिल हैं, 24 मुख्यमंत्री और 350 सांसद शामिल हैं। चीन जिनकी जासूसी कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने ये बड़ा खुलासा किया है। चीन भारत के महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी करा रहा है। बहुत बड़ी खबर है ये। इसमें 700 राजनेताओं के नाम है, 460 राजनेताओं के संबंधियों के नाम है, मतलब राजनेताओं के साथ साथ उनके सगे संबंधियों की भी जासूसी हो रही है। 100 राजनेताओं का तो पूरा का पूरा खानदान है। 350 ऐसे मौजूदा सांसद हैं जो कि या तो हाउस कमेटी का हिस्सा हैं या फिर किसी बेहद महत्वपूर्ण कमेटी के सदस्य हैं। इस लिहाज से डेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चीन सरकार से जुड़ी कंपनी ये डेटा इकट्ठा कर रही है और इसका मकसद है हाइब्रिड वॉरफेयर खड़ा कर देना, इन लोगों की पर्सनल जानकारी इकट्ठी करना, साथ ही साथ इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पता करना। और ये लगातार नजर रखी जा रही है बड़ी बड़ी हस्तियों पर ताकि इनकी जासूसी की जा सके। इनकी एक बड़ी चालबाजी सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इसका खुलासा किया है। सेना से जुड़े राजनेता, राजनीति से जुड़े हुए और बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े लोगों की जासूसी करा रहा है चीन। इसके पीछे चीन का मकसद है भारत में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना। शेंजेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की ये कंपनी है जो देश में 700 से 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रही है। किसकी जासूसी कर रही है? 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री, 350 सांसद और 1350 राजनेता इसमें शामिल हैं। और किसके लिए कर रही है? चीन की सरकार के लिए कर रही है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कर रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? जासूसी, यही है जासूसी का सबसे बड़ा चीनी नेटवर्क। ये बहुत बड़ा खुलासा है जो अखबार इंडियन एक्सप्रेस की ओर से किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चीन में ये कोशिश की जा रही है, इनमें 1350 नेता और कानून निर्माता है जिनकी जासूसी की जा रही है। चीन की नजर में देश के जो बड़े लोग शामिल हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके अलावा कई सारे सांसद, बॉलीवुड की हस्तियां, यहां तक कि मीडिया पर्सोनल्स भी शामिल हैं। चीन सीमा पर एलएसी पर तो चालबाजी कर ही रहा है, देश के भीतर भी वो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। और यही वजह थी कि जब चीन के साथ तनातनी शुरू हुई तो भारत ने चीन के तमाम ऐप और तमाम कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि भारत सरकार को शक था कि चीन इन कंपनियों के जरिए, इन ऐप्स के जरिए भारत का डाटा इकट्ठा कर रहा है। उस डाटा के जरिए भारत के तमाम प्रमुख लोगों की जासूसी कर रहा है। बता दें आपको, 700 कुल मिलाकर राजनेता हैं और बहुत बड़ा ये जासूसी नेटवर्क है। 460 नेताओं के रिश्तेदार हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। 100 नेताओं की तो फैमिली है, यानी कि 100 ऐसे नेता हैं जिनकी पूरी फैमिली ट्री की डेटा चीन के पास है। 12 पूर्व और मौजूदा राज्यपाल है, 70 मेयर और डिप्टी मेयर है, यानी कि आपके शहर में क्या हो रहा है चीन को पता है। तो लिस्ट बहुत बड़ी है। 200 ऐसे नेता हैं जो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, जिनकी जासूसी की जा रही है चीन की तरफ से। और यहाँ पर हम आपको हमारे सहयोगी इंद्रजीत से हम बात कर लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। इंद्रजीत, क्या इसी का अंदेशा था कि भारत सरकार ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा कदम चीन की तरफ से ना उठा लिया जाए, उससे पहले ये कदम उठाया कि चीनी ऐप्स को बैन किया जाए, क्योंकि डेटा चोरी का आरोप चीन पर लगातार लगता रहा? ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ये देखिए, चाइना के जितनी भी कंपनियां जो डेटा या एप्लीकेशन से जुड़ी हुई थी, वो भारत में बहुत पहले से काम कर रही थी। बहुत सारा डेटा भारत का जो है वो चाइना के सर्वर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और ये जो एक अखबार ने खुलासा किया है, उसको अगर आप देखिए तो उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके डेटा को ये लोग हासिल कर रहे थे। इस डेटा का इस्तेमाल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और ओपिनियन चेंजिंग में बहुत सारे देश करते हैं। निश्चित तौर पे ये भारत के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति है, इस तरह का डेटा दूसरे देश पहुंच जाना और खासतौर से ऐसे देश पहुंच जाना जिनके साथ हमारा सीमा विवाद लगातार चल रहा हो। अभी इसका असेसमेंट जरूर सरकार कर रही होगी कि इस तरह का डेटा किस जरिए से इनको पहुंचा है या दूसरा डेटा कैसा उनके पास है। इस तरह का जो असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, वो जरूर सरकार अपनी तरफ से कर रही होगी, लेकिन ये वाकई बेहद खतरनाक है। जी इंद्रजीत, देखिए हमने देखा था कि भारत सरकार ने सबसे पहले टेलीफोन सेक्टर के, मोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई हुआवे या जेटा कंपनियों को प्रतिबंधित किया था और ये आरोप लगा था इन कंपनियों पर कि इन कंपनियों का जो प्रबंधन है वो सरकार के पास है, चीन सरकार के पास ही है और पूरी दुनिया से ये डेटा इकट्ठा कर रही है। लेकिन ये शेंजेन टेक्नोलॉजी, ये एक नई कंपनी सामने आई है,
जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रही है देश में। जी देखिए, जो भी कंपनियां चीन से ऑपरेट करती हैं वहां पर एक कानून है जिसे आर्टिकल 7A कहा जाता है। उस कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी जो वहां काम कर रही है वो बाध्य होगी चीन की सरकार को जानकारी देने के लिए। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वहां की सारी कंपनियों का कंट्रोल जो है वो चाइना की सरकार पर होता है। निश्चित तौर पर ये जो भी कंपनी कर रही होगी वो अपने आर्थिक हितों के लिए नहीं कर रही होगी, वो जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके हितों के लिए कर रही होगी। दूसरी सबसे अहम बात की डेटा माइनिंग एक टर्म होता है, एक शब्द होता है जो हमेशा दुश्मन मुल्क में सरकारें किया करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेटा माइनिंग जो शब्द आपने इस्तेमाल किया उसको विस्तार से और जानेंगे। लेकिन आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, राजनीतिक गलियारों में पकड़ रखते हैं। आशीष, आप सोचिए कि नेहरू गांधी परिवार की जासूसी हो रही है, समझ में आता है, लेकिन सिंधिया परिवार, शरद परिवार और 100 नेताओं की तो पूरी पॉलिटिकल ट्री की जासूसी हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? ये डेलिबरेट है, बिल्कुल जानबूझ करके किया जा रहा है, चीन सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानबूझ करके चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है बड़े बड़े हाई ऑफिसर्स को मॉनिटर करके, सर्वेलेंस रख करके सारी डिटेल्स चाइना के पास पहुंचती रहे, और ऐसे वक्त पे किया जा रहा है जो बड़ा क्रूशियल है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम देख रहे हैं भारत और चीन ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वॉर है, और जिसको डिफ्यूज करने की कोशिश भारत की तरफ से लगातार की जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी खबर आना कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऑपोजिशन लीडर्स, जैसा आपने जिक्र किया सिंधिया परिवार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, जर्नलिस्ट, एक से एक इन्फ्लुएंशियल लोगों का जानबूझ के डिलिबरेट सर्वेलेंस कराया जा रहा है, और ये निश्चित तौर पर इसका मतलब यही है कि चीन बहुत हम कह सकते हैं अक्यूट स्कैनिंग करना चाहता है, नजर रखना चाहता है कि भारत में किस किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, खास करके चीन को लेकर के, या ग्लोबल भारत अपने अपनी प्रगति की तरफ किस तरह के कदम उठा रहा है, चीन इस पर नजर रखना चाहता है, उसको लेकर के रणनीति उस तरह। यानी बहुत बहुत बड़े लेवल पर जासूसी की बात यहाँ पर सामने आ रही है। इंद्रजीत, अगर आप हमारे साथ फोन लाइन पर अभी भी मौजूद हैं, तो आप डेटा माइनिंग की जो बात कह रहे थे उसमें तो कुछ लोग दलील ये भी दे सकते हैं कि हम बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारी एप्लीकेशंस को अपने डेटा की जानकारी खुद ही दे देते हैं, अपने पर्सनल फोन में झांकने की इजाजत खुद ही दे देते हैं, तो वो और ये कैसे अलग हो जाता है, ये एस्पिनाज यानी इसको जासूसी में कैसे गिना जाएगा, जासूसी की श्रेणी में? देखिए, डेटा माइनिंग अगर डेटेड होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझना होगा, जो भी डेटा अभी तक सामने आया है जिन लोगों का, वो डिसीजन मेकर्स हैं या बड़े लोग हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी भी दूसरे देश को जब वहां के लोगों की ओपिनियन को चेंज करना होता है या उनके ओपिनियन को प्रभावित करना होता है, तो इन्फ्लुएंसर्स जो डेटा होता है उसके जरिए उनकी चीजों को हैक करके या उसको प्रभावित करके और लोगों के बीच बड़े पैमाने पर ओपिनियन का बदलाव किया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर होगी, अगर चीन की सरकार को भारत की वर्तमान सरकार के खिलाफ वहां की जनता को खड़ा करना है, तो वो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, इन डिसीजन मेकर्स के जरिए डेटा बीच का इस्तेमाल करके बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर सकती है। तो ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए कम से कम जो वहां के बड़े लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका डेटा चोरी होना या डेटा दूसरे देशों के हाथ लग जी। इंद्रजीत, एक बड़ा सवाल उठता है कि आप इन्फ्लुएंसर को उनकी डेटा चोरी कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे परिवार की जासूसी, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? अगर किसी नेता के पूरे परिवार की ओर से 100 बड़े नेता हैं जिनके पूरे के पूरे परिवार की जासूसी हो रही है, इसके पीछे मकसद क्या होता है, किस तरह से काम करती फिर जासूसी कंपनियां? देखिए, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जो बड़े लोग होते हैं उनके परिवारों का डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्लैकमेल के तौर पे यूज किया जाता है, या बहुत सारे दूसरे अकंडे होते हैं जहाँ से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए या अपने मोटिव को हासिल करने के लिए बड़े लोगों के बच्चों का, उनकी फैमिली के लोगों का इस तरह का डेटा रखती हैं, जानकारियां रखती हैं, जिसे लोकल लेवल पे फिजिकली या मेंटली, साइकोलॉजिकली उस व्यक्ति को प्रभावित किया जा सके।
बिल्कुल इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए, आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष, इन सब के बीच ये समझना भी बहुत जरूरी है, आसान भाषा में दर्शकों को अगर हम समझाएं तो, मान लीजिए किसी गांव के सरपंच की जासूसी हो रही है, वहां के विधायक की जासूसी हो रही है, वहां के सांसद की जासूसी हो रही है, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई अधिकारी बैठा है, शहर कैसे चल रहा है उसकी जासूसी हो रही है। मतलब ये कि चीन भारत के डीएनए को समझना चाहता है। जी हाँ बिल्कुल, चीन लगातार इस तरह के सर्वेलेंस करता रहा है। आपने देखा होगा कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि चीन ने बाकायदा पूरे के पूरे भारतीय विदेश मंत्रालय का हर एक कंप्यूटर तक को हैक कर रखा था, रक्षा मंत्रालय को हैक करने की कोशिश की थी। चीन की लगातार अटेम्प्ट, चीन की कोशिश रही है कि भारत संबंधित, क्योंकि भारत ही एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर है इस पूरे रीजन में जो चीन को डायरेक्टली चैलेंज करता है, एक सुपर पावर की तौर पर उभर रहा है और चीन की पोजीशन को वीकन कर सकता है, कमजोर कर सकता है, और इस वजह से चीन लगातार इस तरह की कोशिश करता रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हजारों बड़े इन्फ्लुएंशियल भारतीयों को चीन ने इस तरह की जासूसी बिठाई हुई है। चीन की निश्चित तौर पर यह नियत है कि हर एक फाइनल डिटेल भारत के बारे में वो इकट्ठा करे और अपनी हेजमनी किसी तरह से यहाँ पर स्थापित करने के लिए जो एक्सपेंशन उसका मोड है उसको इसके माध्यम से इस्तेमाल करता रहे। आशीष, अभी ये डेटा निकलकर सामने आया, बहुत सारे लोगों के नाम भी सामने आए, इंडियन एक्सप्रेस से बहुत सारे लोगों के नाम उजागर किए, इसमें विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी नाम है तो शशि थरूर का भी नाम है, तो यानी ये मुद्दा गर्भ आने वाला, इसको लेकर कांग्रेस भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, सरकार पर सवाल उठना लाजमी, आज तो संसद का सत्र भी शुरू हो रहा। बिल्कुल प्रतिमा, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उठेगा और विपक्ष इसको लेकर के बहुत अग्रेसिव होगा, निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे खुद मोदी सरकार से कि इतने साल दर साल जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, साल दर साल ठीक है सिचुएशन अभी बहुत खराब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच म्यूचुअल कैमरेडरी है और बहुत अच्छा उन दोनों के बीच में रैपो है, वो सब कारण है। इतनी बड़ी चूक भारतीय एजेंसी से कैसे हो गई कि तमाम हजारों इन्फ्लुएंशियल भारतीयों, जैसा मैंने कहा पहले भी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक की जब स्नूपिंग हो रही है, इसका जवाब दे कौन है, इस तरह से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कैसे, तो निश्चित तौर पर आज संसद का पहला दिन है और हंगामेदार हो सकता है और इस पर सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लौटेंगे आपके पास थोड़ी देर बाद, तो आपसे ये जानेंगे कि क्या इस जासूसी का और इस डेटा का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग में भी होता है उन बड़े नेताओं पर जो विपक्ष में हैं ये, लेकिन ये 3.5 मिनट बाद आपको दिखाएंगे, उससे पहले नए साल में आ रही है कोरोना की वैक्सीन।